गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है। इसमें हम लूप लगाते हैं। लूप मींस कि जब हम चाहते हैं कि हमने कोई स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती तो हम लूप लगाते हैं। ठीक है, लूप ये भी प्रोवाइड हमें कंडीशन देता है, जो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक लूप चलता है। इसमें तीन तरह के लूप होती है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, व्हाइल लूप जो होती है बेसिक लूप होती है। इसमें हम जैसे इफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ही हम व्हाइल लूप में जब तक हमारी इफ कंडीशन फॉल्स नहीं आ जाती तब तक हम लूप चलाएंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगी, और जब तक फॉल्स नहीं आ जाती कंडीशन तब तक वो चलेगी। जब कंडीशन फॉल्स आ गई तो वहीं पे स्टॉप कर जाएगी। डिफरेंस इज दैट आफ्टर द स्टेटमेंट हैव बीन एग्जीक्यूटेड टेस्ट कंडीशन इज चेक अगेन एंड अगेन। ठीक है, टेस्ट कंडीशन चेक हो जाएगी जब तक वो ट्रू है तब तक उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जब वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसी टाइम लूप से बाहर आ जाएगी। ठीक है, इफ़ इट इज स्टिल ट्रू देन द स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड अगेन। दिस साइकिल रिपीट्स अंटिल द टेस्ट कंडीशन इज इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। ठीक है, इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे सिंटेक्स दिया है, व्हाइल इसमें एक्सप्रेशन है, इसमें कंडीशन लगी है। ठीक है, और इसके साथ जो स्टेटमेंट्स है। ठीक है, व्हाइल कोई भी कंडीशन दे दो, जैसे व्हाइल जब तक ए की वैल्यू बी के इक्वल है, सॉरी ए इज लेस देन बी। ठीक है, व्हाइल ए इज लेस देन बी, जब तक ए की वैल्यू बी से कम होगी तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। जब ए की वैल्यू बी के इक्वल भी आ गई तो उसके बाद लूप खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, देन आता है फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट आप देख लेना, जब टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जब फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट बाहर आ जाएगी। डू व्हाइल लूप क्या होता है? डू व्हाइल लूप में हम क्या करते हैं, डू व्हाइल लूप में स्टेटमेंट पहले प्रिंट होती है, ठीक है, कंडीशन बाद में चेक होगी। ठीक है, इसमें सिमिलर है व्हाइल लूप की तरह, बस एक है कि हम कंडीशन को एंड ऑफ लूप पे चेक करते हैं रादर देन स्टार्ट। और इसका एक पॉइंट है कि ये इसमें एक बार तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी क्योंकि हम कंडीशन जो है बाद में चेक करते हैं। ठीक है, एक बार तो एटलीस्ट होगी ही प्रिंट। इसमें डूब में देखो स्टेटमेंट पहले दी है और कंडीशन एंड में चेक की है। ठीक है, देन आता है इसका फ्लो चार्ट, बॉडी ऑफ लूप। बॉडी ऑफ लूप के बाद हम टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेंगे, और अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट जस्ट बिलो लूप, और अगर ट्रू है तो लूप चलती है। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप जो है वो सिमिलर है व्हाइल लूप की तरह, इट्स जस्ट रिटन डिफरेंटली। इसको बस हम डिफरेंटली लिखते हैं, बाकी ये सेम ही है उसकी तरह, फॉर लूप की तरह। ठीक है, और सॉरी व्हाइल लूप की तरह सिमिलर ही है। इसमें क्या है, हम पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू, एक्सप्रेशन थ्री। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, i इज इक्वल टू वन, कुछ भी हमने इनिशियलाइज किया। यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि कहाँ कब तक लूप चलानी है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब मॉडिफायर लगाते हैं कि हमने इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, मॉडिफायर लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो फॉर लूप है, इसमें हम तीनों एक्सप्रेशन किए हैं। ठीक है, ये है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इसमें इनिशियलाइज किया, इसमें कंडीशन दी है, और इसमें मॉडिफायर लगाया कि हमने आगे अब अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। जैसे यहाँ पे देखो फोर आई इज इक्वल टू वन, कुछ भी दे दो, आई इज इक्वल टू टेन, जब तक आई की वैल्यू टेन नहीं, टेन से कम है तब तक लूप चलेगी। आई प्लस प्लस, जब हमने प्रिंट कर दी वैल्यू, अब आगे इंक्रीमेंट भी तो करना, अब आई की वैल्यू टू हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, फिर आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, इस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।